वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो साइंस की क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर सेवन को हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद में सारे जो हमने इम्पोर्टेंट नोट्स वो डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने रूट भी डिस्कस कर लिया, स्टेम भी डिस्कस कर लिया, लीव्स भी डिस्कस कर लिया, पोलिनेशन, फर्टिलाइजर, सारे हमने जो नोट्स में अब तक के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास में जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर वन है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताओ जिससे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच प्रोड्यूस इज फूड। ठीक है, प्लांट के ऐसे पार्ट का नाम बताओ जो भोजन बनाता है प्लांट के लिए, तो कौन बनाता है? लीफ। जो लीफ का मतलब क्या हो गया, पत्तियाँ होती हैं, वो क्या होती है, प्लांट के लिए भोजन बनाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, व्हाट सब्सटेंस इन द लीव्स गिव देम ए ग्रीन कलर। हमारे पास में जो लीव्स होती है उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। जैसे प्लांट की लीव्स होती है तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स होती है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। तो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ देखो, व्हाट इज़ द मेन वेन ऑफ ए लीफ नोन एज। हमारे पास में जो सबसे मेन वेन होती है लीफ की, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब, ठीक है। उसके अंदर ही सारी वाली जो वेन्स होती है उससे जुड़ी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल। उसके कारण प्लांट की लीव्स होती है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये देखो, नेम ए गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और नेम ए गैस प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसको हवा से एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके द्वारा वाटर को रूट से एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सनलाइट को सन से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उनके बीच में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन गैस तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है, और उसमें जो फूड होता है ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट की जो स्टेम वगैरह रूट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट लीव्स लूज वाटर इनटू एयर। एक इसी प्रोसेस का नाम बताओ जिसके अंदर प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें पानी का नुकसान होता है, पानी अपना, ठीक है, पानी जो पानी है वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे प्लांट की जो लीव्स के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गिरती है तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसके अंदर वाटर होता है, तो वो क्या होता है? वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर एट देखो, विच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम ए ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। हमने जो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें हमारे पास में जैसे क्लोरोफिल था तो उसको हटाने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा यूज़ करते हैं? डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो वो क्या कर देता है कि क्लोरोफिल होता है जो प्लांट की लीव्स के अंदर, तो उसको वो हटा देता है उससे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, नेम द टू सब्सटेंस विच कम्बाइन इन ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। दो ऐसे मेटे सब्सटेंस के नाम बताओ जो सनलाइट के अलावा, ठीक है, भोजन बनाने के जरूरी होते हैं प्लांट्स की लीव्स के लिए। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट की लीव्स होती है हवा से ले लेती है, और वाटर को कहाँ से ले लेती है? प्लांट के रूट से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टेन देखो, व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ मीडियम साइज प्लांट with hard and woody stem whose many branches arise just above the ground। medium size के जो plant होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? shrubs। क्या बोलते हैं? shrubs। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11, name the part of a plant which grow below the ground। प्लांट के ऐसे पार्ट का नाम बताओ जो ग्राउंड से नीचे ग्रो करता है, तो वो कौन सा प्लांट का पार्ट हो गया? रूट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। सोइल से वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्व करने का वर्क किसका है? प्लांट का। ये जो रूट होती है उसका वर्क है, मतलब प्लांट की जो जड़ें होती है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से ऑब्जॉर्व करती है? सोइल से। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था नोट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नेम द थ्री मेन ग्रुप्स इन विच प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड। हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तीन हमारे पास में कौन कौन से ग्रुप्स हो गए, एक तो हर्ब्स हो गया, उसके बाद में शर्ब्स हो गया, और उसके बाद में ट्रीज हो गया। तो ये तीन ग्रुप्स हो गए जिनके थ्रू हम प्लांट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं।
अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 देखो, नेम द टू टाइप्स ऑफ प्लांट अदर देन हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज के अलावा दो टाइप के प्लांट कौन से होते हैं, क्लाइंबस और कीपर्स। क्लाइंबस तो होते हैं वो किसी मतलब किसी सहारे से चढ़ते हैं, ठीक है। क्रीपर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर टेंडल्स नहीं होते और वो ज़मीन के नीचे ही ऐसे मतलब ग्रो करते हैं, ठीक है, लेट के जैसे ग्रो करते हैं, वो ज़मीन पे ही ऐसे आड़े चलते हैं। और क्लाइंबस होते हैं वो पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नेम द साइंटिफिक नेम लीफ स्टॉक एंड लीफ ब्लेड। लीफ स्टॉक को तो हम साइंटिफिक नेम पेटोइड हो गया, और लीफ ब्लेड का क्या हो गया, लेमिना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मेल पार्ट फ्लोवर, मेल फ्लोवर का मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमिंग, और फीमेल पार्ट क्या होता है फ्लोवर का, पिस्टिल। ये ए और बी के दो आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, नेम थ्री एजेंट्स विच कैरी आउट पोलिनेशन इन फ्लोवर। फ्लोवर के अंदर जैसे पोलिनेशन होता है तो उसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब किन के माध्यम से पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट के माध्यम से होता है, वाटर के माध्यम से होता है, और विंड के माध्यम से होता है। ये तीन एजेंट होते हैं, मतलब तीनों के द्वारा ही पोलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हाट डू ओवेरीज बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से ओवेरी किस में बदल जाता है, फ्रूट्स के अंदर बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, व्हाट डू ओवल्स बिकम्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवेरी तो फ्रूट्स में बदल जाता है, और ओव्यूल्स किस में बदल जाता है, सीड्स के अंदर। किस में बदल जाता है, प्लांट के सीड के अंदर बदल जाता है, और जो फ्रूट्स के अंदर क्या बदल जाता है, ओवेरी। वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये ओवेरी और ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, नेम दैट पार्ट ऑफ ए फ्लोवर विच बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट का ऐसा कौन, जो प्लांट के जो फ्लोवर होते हैं उसका ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे फ्रूट बनते हैं, ठीक है। तो उस वो कौन सा भाग है, ओवेरी, ठीक है। ओवेरी फ्लोवर का एक पार्ट होता है जिससे वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है, फ्रूट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नेम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एंथ्रोप स्टेमिन। स्टेमिन के अंदर जो पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लोवर यू आर लाइकली टू फाउंड ओवेरी, ठीक है। हमारे पास में जैसे ओवेरी होता है वो प्लांट फ्लोवर के कौन से भाग में होता है, पिस्टल के अंदर। पिस्टल होता है फीमेल पार्ट होता है फ्लोवर का, तो उसके अंदर ओवेरी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नेम द एग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवेरी ऑफ ए फ्लोवर। फ्लोवर के जो पिस्टल होता है तो उसके अंदर जो ओवेरी होता है, तो उसके अंदर जो एक अंडे जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किसके अंदर रहते हैं, ओवेरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, नेम ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेसरी डिस्पोजेस ए बाई इट्स लीव। हमने डिस्कस किया था कि जिस प्लांट होता है उसकी रूट यदि फाइबरस टाइप की रूट है तो उसमें किस टाइप का वेनेशन मिलेगा, पैरेलल वेनेशन, और यदि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी मिलेगी, तो उसकी रेटिकुलेट यदि उसके अंदर है तो उसकी जो रूट है वो कैसी मिलेगी, टेप रूट। क्या मिलेगी, टेप रूट। और ये क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास में देखो, ग्रीन प्लांट्स किससे पौधे बनाते हैं, सनलाइट, तो यहाँ पे सनलाइट आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में देखो, प्लांट हैविंग लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन। जिन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उनकी रूट्स कैसी होती है, टेप। और जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है तो उनकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट। उसके बाद में क्वेश्चन सी देखो, द फ्लोवर इज द पार्ट क्वेश्चन नंबर सी देखो, द फ्लोर इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन। जो फ्लोर होता है उसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज ट्रांसफर्ड। ओवरी तो किस में बदल जाता है, फ्रूट्स के अंदर, और ओवरीज किसके अंदर बदल जाते हैं, सीड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर ई देखो कि हमारे पास में जो वर्टिकली जो प्लांट चढ़ते हैं, ठीक है, तो मतलब जो प्लांट का ऐसा कौन सा भाग होता है जो वर्टिकली ग्रो करता है, कौन सा भाग होता है, स्टेम। उसके बाद क्वेश्चन देखो, एंकर द रूट्स, एंकर द प्लांट टू द सोइल, ठीक है। तो प्लांट होता है तो उसको जो रूट क्या करती है, उसको मतलब एक जगह से वर्टिकली स्टैंड करती है। उसके बाद में क्वेश्चन जी देखो, द मनी प्लांट हैविंग ए लॉन्ग एंड वीक स्टेम इज कॉल्ड क्रीपर। क्रीपर एक प्लांट का ही एक टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास में उसका एग्जाम्पल क्या है, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जिसका वीक स्टेम होता है, वो लॉन्ग होता है, तो क्रीपर होता है, ठीक है।
और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एस देखो, रोज़ प्लांट इज ए सब्स, रोज़ का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, सब्स कैटेगरी में होता है, ठीक है। और टोमेटो प्लांट इज हर्ब, और टोमेटो का प्लांट कैसा होता है, हर्ब्स कैटेगरी में आता है।